बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्प्राइट है लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा दिन इसलिए भी था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का बाकायदा आगाज हो गया पाकिस्तान में, नेशनल स्टेडियम कराची में। आज लिटरली चौकों और छक्कों की बरसात हुई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की राह तेजी से हमवार हो रही है। इस बात पर अहलियान पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और बहुत सारी तालियों की सूरत में हम पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम अमन पसंद मुल्क हैं और अमन पसंद शहरी हैं। आज मुकाबला हुआ लाहौर का और इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 238 रन डाक दिए और पाकिस्तान सुपर लीग में इसके साथ ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए। आज के 238 रन पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी टीम की जानिब से बनाया जाने वाला सबसे हाईएस्ट स्कोर था। इस पूरी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ दो मरतबा डबल लिया गया, दो रन बनाए गए, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी। आज 238 रन में 16 छक्के लगे एक इनिंग्स में, जो कि भी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का एक रिकॉर्ड है। आज शाहीन आफरीदी को 4 ओवर्स में 62 रन पड़े, जो कि भी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का एक रिकॉर्ड है। और डेलपोर्ट ने पाकिस्तान सुपर लीग की तेज तरीन सेंचुरी बनाई, जो कि भी एक नया रिकॉर्ड बना। और यूं लाहौर कलंदर का शिकस्त के बाद अब इस टूर्नामेंट में मुस्तकबिल बहुत ज्यादा मखदूश हो गया है। लेकिन कल कराची बमुकाबला क्वेटा, इससे भी बहुत कुछ डिसाइड होगा। हम अपने मेहमानों से भी जरा आज के मैच पर राय लेते हैं, लेकिन पहले मैं आज के हमारे खुसूसी मेहमान का तारुफ करा दूं। हमारे आज की मेहमान एक ऐसी शख्सियत, मुझे याद पड़ता है कि हालिया अरसे में मेरे जितने भी टीवी इंटरव्यूज हुए, और अगर मुझसे सवाल पूछा गया कि भाई आपके फेवरेट करंट अफेयर्स एंकर कौन से हैं, तो मैंने इनका नाम लिया, क्योंकि मैं इनका प्रोग्राम ना सिर्फ बड़े गौर से देखता हूँ, शौक से नहीं देखता बल्कि गौर से देखता हूँ, क्योंकि मैं सीखने की बहुत कुछ कोशिश कर रहा होता हूँ। बहसियत एंकर, बहसियत तज़िया कार, इनकी बातों से मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। आप सब भी इनके फ़ैन हैं। हमारे आज के मेहमान ARY न्यूज़ के फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के होस्ट, द वन एंड द ओनली काशिप अब्बासी साहब। थैंक यू, वेरी काइंड। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छा, ठीक ठाक हैं। क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्रिकेट के तो आप बड़े, आपका क्रिकेट से जो वास्ता रहा है तो लोगों को बताइए, आपने बाकायदा क्रिकेट खेली है? जी, मैं पिंडी से, मैं अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मेरी वालदा मेरे को खेलने नहीं देती। अच्छा। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की उस टाइम 10 करोड़ आबादी है, 11 लोगों ने खेली है, तो क्यों लगता है कि तू क्रिकेट खेलेगा? तो उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। पाकिस्तान में 25-30 लोग या उससे भी कम लोग, इतने बड़े एंकर, तो उनमें से आप एक बन गए माशाल्लाह। तो आप आज शायद वो यही कहती होंगी, उस टाइम तुझे रोका था इसलिए तू आज यहाँ तक पहुंचा। अच्छा, तो पिंडी की तो सियासत बड़ी मशहूर है, पिंडी की क्रिकेट के बारे में क्या? नहीं, बहुत पिंडी में बहुत क्रेज, बड़ा पैशन था क्रिकेट का उस वक्त। अब तो क्रिकेट मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से, क्योंकि इंटरनेशनल नहीं आ रही पाकिस्तान, तो क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता गलियों, मोहल्लों, सड़कों से खत्म हो रही है। ये PSL वापस आएगा, याद रखिए ये चीज, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। और बासित भाई, आज का मैच, ये जो इतने छक्के छक्के लगे हैं, ये ग्राउंड गैर जरूरी तौर पर छोटा हो गया है या ठीक है? ये फन एलिमेंट ऐड करने के लिए अगर ऐसा हुआ भी है तो अच्छा है। नहीं, वैसे मैं पिच बहुत अच्छी थी। अच्छा, ओके। मतलब जिन्होंने पिचेस बनाई है उन्हें दाद देनी चाहिए। असल में T20 की पिचेस ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, नो डाउट ग्राउंड एक तरफ से छोटा था, 55 यार्ड की बाउंड्री थी। हाँ। लेकिन जो दुबई में पिचेस थी वो हम बोल सकते हैं कि बैट्समैनशिप के लिए फ्रेंडली नहीं थी। ओके। लेकिन ये पिच, नो डाउट ये पिच बैट्समैन के लए बहुत अच्छी थी, और मेरे ख्याल है आइंदा आने वाले एक दो दिन में बॉलर्स को शायद नींद ना आए, इतने चौके छक्के पड़ने वाले हैं। मतलब सिर्फ यॉर्कर के अलावा बॉल ही नहीं कर सकते। आप अग्री करते हैं बात से? लग नहीं रहा मुझे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर बैटिंग के लिए पिचेस अच्छी हैं, हाँ, तो ग्राउंड छोटा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो बैटिंग पिच है, ग्राउंड बैट्समैनों को इतना सूट करती है, उसके बाद ग्राउंड भी इतना छोटा किया हुआ। मेरे ख्याल में आपको इससे तो बुरा नहीं लग रहा कि आप भी बॉलर रहे? मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, सीधी बात है, आपको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मुझे बहुत बुरा लगा। सीधी बात है, बहुत बुरा लगा, इतनी छोटी बाउंड्री, शदीद बुरा लगा। उसकी वजह ये, गाली नहीं देती आपने, बस यही नहीं देता, बाकी सब कुछ बोलता हूँ मैं। देखिये, बात ये है कि बॉलर्स की भी एक रिस्पेक्ट होती है। ठीक है जी, PSL आ गया पाकिस्तान के अंदर, सब कुछ हो रहा है, अब छक्के दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, तो फिर आप ऐसा कर ले, आप ऐसा कर ले, सर्किल जो है ना, सर्किल, हाँ, उसके दो कदम बाद में आप रो को रख लें बस, ताकि लगे और ये करें और एंटरटेनमेंट हो जाएगी, और मजा आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? मतलब T10 आई है ना, हाँ, उसमें भी यही हुआ था ना, जिसपे सलमान भाई ने छोड़ा था। बॉलर्स की इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो रही है सबके लिए। दुनिया में डोमिनेशन जो आजकल हो रही है वो बैट्समैन की हो रही है। जो लॉज आ रहे हैं